गुड इवनिंग एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस की ओर से आप सबों का स्वागत है। 31 जनवरी 2023 का एक दिन हमारे इस रिवीजन के सफर का आखिरी दिन, लास्ट डे मुकर्रर किया गया था और हमारे ग्रुप के द्वारा इस डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैथ और साइंस के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करवाया गया। 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ ये सफर आज 31 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है और क्लास 9th में साइंस के सेक्शन में आज के इस आखिरी दिन में केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन विंडो के सेशन में पहला सवाल कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। पहले देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा हुआ है, मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है, चार्ज +2 का, क्लोरीन मोनोवेलेंट है Cl- का, और किसी भी कंपाउंड में नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो दो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए दो नेगेटिव चार्ज चाहिए, मीन्स 1 Mg विल कंबाइन विथ 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन MgCl2। उसी तरह से कैल्शियम भी डाइवेलेंट है, ऑक्सीजन भी डाइवेलेंट है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। कॉपर नाइट्रेट में कॉपर +2 और नाइट्रेट जो है -1 का एनायन है। फिर उसी तरह से काउंटर बैलेंस करने के लिए, चार्जेस बराबर करने के लिए कॉपर आयन के 1 यूनिट के साथ नाइट्रेट आयन का 2 यूनिट लिखना है। अब देखिए, अल्मोनियम है ट्राइवेलेंट और क्लोराइड है मोनोवेलेंट, तो फॉर्मूला Al के साथ 3Cl यानी AlCl3 लिखना होगा। कैल्शियम डाइवेलेंट है और कार्बोनेट भी डाइवेलेंट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे। तो ये आपका पहला सवाल। दूसरे में देखिए, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विक लाइम हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, इसमें जो एलिमेंट मौजूद हैं वो कैल्शियम और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला HBr है, तो हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन, ये दो एलिमेंट इसमें हैं। बेकिंग सोडा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और इसमें जो एलिमेंट इन्वॉल्व है, देखिए पहला सोडियम का है, इस सोडियम के साथ दूसरा हाइड्रोजन कार्बन और चौथा ऑक्सीजन। तो दिस कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन। लास्ट में पोटेशियम सल्फेट का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है K2SO4, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें पोटेशियम के साथ सल्फर और ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड में उसके फॉर्मूला के आधार पे हम लोग उसके एलिमेंट्स को एसेस कर सकते हैं। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ दिस सब्सटेंसेस। हम लोग जानते हैं कि मॉलिकुल जो है एटम का कॉम्बिनेशन है, इसलिए किसी भी मॉलिकुल के लिए जो मॉलिकुलर मास होगा वो उसमें प्रेजेंट सारे एटम्स के एटॉमिक मास के समेशन के इक्वल होगा, यानी मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ एटॉमिक मासेस। क्योंकि हम जानते हैं कि मास जो है एडिटिव प्रॉपर्टी है, जुड़ने वाली प्रॉपर्टी है। अब पहला जो कंपाउंड है कार्बन के लिए एटॉमिक मास आप 12 यूनिट लिखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट डालते हैं, तो C2H4 में 2 कार्बन है, तो 12 × 2 से 24 और 2 हाइड्रोजन, तो इसका मॉलिकुलर मास 26 यूनिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मोलर मास कहा गया है, तो मोलर मास इज द मास करस्पॉन्डिंग टू 1 मोल, और 1 मोल में जब मास को रिप्रेजेंट करना है तो ये यूनिफाइड यूनिट से इसका कन्वर्जन जो है ग्राम में हो जाएगा, तो 26 ग्राम ऑफ इथाइन इज 1 मोल ऑफ इथाइन। उसी तरह से सल्फर के केस में
सल्फर का एटॉमिक मास 32 यूनिट, और चूंकि ये ऑक्टा एटॉमिक है इसमें 8 एटम सल्फर के हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इट विल बी 256 ग्राम। फास्फोरस के मॉलिक्यूल को P4 से रिप्रेजेंट किया गया है, और एक फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 इंटू 4, तो इट विल मेक इज 124 ग्राम, ये इसका मोलर मास है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 लिखते हैं, और क्लोरीन में क्लोरीन के दो कॉमन आइसोटोप्स 35 और 37, नेचुरल एबंडेंस में क्लोरीन 35 जो है उसका 75% है, 37 वाले का 25% है। जब एवरेज करेंगे तो एवरेज आइसोटोपिक एटॉमिक मास जो है क्लोरीन के लिए दैट विल कम आउट टू बी 35.5, और इनको जोड़िए तो 36.5 ग्राम, ये इसका मोलर मास हो जाएगा। और आखिरी में नाइट्रिक एसिड में एक हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन 16 × 3 48, और सम अप करने के बाद ये 63 ग्राम इसका मोलर मास है। फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, कन्वर्ट इनटू मोल, अब सारे केसेस में मासेस दिए हुए हैं, और जब मोल वाले पार्ट को मोल एज मास के कंसेप्ट के आधार पे नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास W डिवाइडेड बाय मोलर मास, कैपिटल M, तो ये W बाय M हो गया। अब पहला एग्जांपल लीजिए, ये ऑक्सीजन गैस है, तो एज ऑक्सीजन गैस आपको O2 लिखना है, तो पहले में नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, तो दिस इज 3/8, और डेसिमल में 0.375 मोल हो जाएगा। अब 20 ग्राम वाटर है, तो ये गिवन मास हुआ, वाटर का मोलर मास 18, तो दिस इज 10/9 विच विल कम आउट टू बी 1.1 मोल। और कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम्स है, तो ये इसका गिवन मास हो गया, मोलर मास 44, इसको डिवाइड किए तो 1/2, यानी इसमें मोल्स की संख्या 0.5 हो जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने मोल कैलकुलेट किया जब मास दिया हुआ है, ठीक उसी तरह से जब मोल्स दिए होंगे तो मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगले सवाल में देखिए, जैसे हम लोगों ने लिखा नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोल्स दिए हुए हैं और आपको मास बताना है, मोल्स दिए हुए हैं मॉलिक्यूलर मास मालूम है और मास बताना है, तो करस्पोंडिंग मास के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, ये ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में है, तो इसके 1 मोल का मास 16 ग्राम होगा, और अपने पास मोल्स कितने हैं 0.2, तो ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास दिस विल मेक इट 3.2 ग्राम, पार्ट ए का आंसर 3.2 ग्राम होगा। और उसी तरह से दूसरे पार्ट में 0.5 मोल और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इट विल कम आउट टू बी 9 ग्राम। तो इस तरह से मास को मोल में, मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब ये सेपरेशन के टेक्निक्स और मेथड का यहां जिक्र किया गया है, राइस ग्रेन्स एंड हस्क। तो राइस राइस ग्रेन और हस्क, इसको सेपरेट करने की जो टेंडेंस की टेक्निक है, उसमें राइस ग्रेन्स की तुलना में जो उसके हस्क हैं उसकी डेंसिटी कम है, वो हल्के हैं, तो विनोइंग, विनो हम लोग सूप को कहते हैं, तो विनोइंग के टेक्निक के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। क्योंकि जब सीविंग की बात करेंगे तो सीविंग मतलब होता है चालना, सीव जो होता है जिसे हम दो चलनी कहते हैं या छलनी कहते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जब पार्टिकल के साइज का डिफरेंस हो तो बड़े साइज के पार्टिकल जो है उस पोर्स को पास नहीं कर पाएंगे, छोटे पार्टिकल उसको पास करते हुए नीचे हम किसी डिपोजिशन कंटेनर में उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर मीन्स आटा, और उसके साथ अगर छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल हैं,
चाहे मान लीजिए कोई गेहूं का दाना है जो पीसा नहीं जा सका, तो वो सब जो है उस सीविंग के थ्रू अलग किया जा सकता है। हैंड पिकिंग का कॉन्सेप्ट तब आप यूज करते हैं जब पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल है, जैसे मान लीजिए चावल के साथ कंकर का थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा है, तो उसको हम हाथ से चुन करके अलग कर सकते हैं। और सॉल्वेंट की टेक्निक तब यूज करते हैं जब दो कंपोनेंट में, या तो एक कंपोनेंट जो है वाटर में डिजोल्व कर जाए, दूसरा डिजोल्व नहीं करे, या अपने पास कोई सब्सटेंस है उसको वाटर में डाले वो डिजोल्व कर जाए, तो जब डिजोल्व करवाएगा तो उसका सॉल्यूशन बनेगा, फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन करके उसको अलग कर सकते हैं। या दो चीजों में एक डिजोल्व करता हो दूसरा डिजोल्व नहीं करता हो, तो जो पार्ट डिजोल्व कर जाएगा वो सॉल्यूशन का हिस्सा बनेगा, जो डिजोल्व नहीं होगा वह एज ए सेडिमेंट जो है सेडिमेंट के फॉर्म में बॉटम पे सेटल करेगा, फिर डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन इस तरह की टेक्निक को यूज करके उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ राइस ग्रेन और हस्क के लिए जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो विनोइंग का। नेक्स्ट में अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड के पार्टिकल में सबसे मजबूत है, तो ऑर्डर होगा सॉलिड फॉलोड बाय लिक्विड, और सबसे कमजोर फोर्स जो है वो गैस के फॉर्म में है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट है गैस, वाटर ये लिक्विड है, और शुगर जो है सॉलिड है। तो सबसे मजबूत फोर्स जो है वो शुगर के पार्टिकल्स के बीच में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद ऑक्सीजन में। और चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा गया है, यानी हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो फोर्स के हिसाब से ऑक्सीजन का फोर्स कमजोर है किससे, वाटर के फोर्स से, और वाटर का फोर्स कमजोर होगा शुगर के पार्टिकल के बीच के एग्जिस्टिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। तो यहाँ हम सॉलिड लिक्विड और गैस के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यहाँ वाटर कहने का मतलब हम H2O के का जिक्र कर रहे हैं। जैसे ही ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो इस केस में वाटर लिक्विड के फॉर्म में होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, चूंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी है, तो इस टेम्परेचर पे आइस और वाटर जो है विल कोएग्जिस्ट, यानी दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। और ठीक यही स्थिति जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी होगा, यहां पर भी वाटर और वाटर का जो वेपर होगा इसमें कोएग्जिस्टिंग टेंडेंसी होगी, यानी दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। और अगर हमें किसी भी चीज का रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है तो देखिए आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। अब इस डायग्राम में देखिए सॉलिड इसको कन्वर्ट किया जा रहा है लिक्विड में, तो इस ए के बारे में बताना है। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको कहा जाता है मेल्ट करना, तो ये प्रोसेस है मेल्टिंग का। जब लिक्विड वापस सॉलिड में आएगा, यानी ये डी वाला पार्ट, तो ये फ्रीज करना हुआ, तो ये प्रोसेस जो है वो फ्रीजिंग का है। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो ये इवेपोरेशन या वेपराइजेशन है, तो ये प्रोसेस हो गया इवेपोरेशन का। और जब गैस या वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो सी वाला पार्ट, यानी ये सी जो है ये कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये फिजिकल स्टेट के चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जब सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट किया गया है गैस में बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, तो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस अंडर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। और जब गैस को कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में, तो सब्लिमेशन के रिवर्स प्रोसेस को हम लोग कंडेंस्ड सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्रोसेस हैं।
अब कह रहा है कि इसमें से प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में किसको रखते हैं। जब एक सिंगल कंपाउंड या एक सिंगल एलिमेंट की बात करें तो वो प्योर कहलाएगा, और जब भी एक से ज्यादा कंपाउंड का मिक्सचर हो या इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स का मिक्सचर हो, यानी दोनों साथ साथ हो, तब उसे हम प्योर नहीं कहेंगे। जैसे यहां देखिए आइस, आइस में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको प्योर कहेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी सब्सटेंस प्योर है। ब्रिक में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिले हुए हैं तो ये प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में नहीं आएगा। मिल्क एक इमल्सन है तो ये भी मिक्सचर है वाटर और ऑयल का, तो इसका मतलब ये भी प्योर नहीं है। आयरन एक मेटल है तो ये प्योर है। मर्क्यूरी एक मेटल है, ये भी प्योर है। कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड का नाम है, ये भी प्योर है। लेकिन जो वुड है वो डिफरेंट कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है, और एयर में भी बहुत सारी गैसेस हैं तो ये सब प्योर नहीं है। तो यानी सिंगल आइडेंटिटी जिसकी होगी वो प्योर कहलाएगा, और जब दो से या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिलाएंगे तो उसके बाद जो आपके पास एक मिक्सचर बनेगा उसको प्योर नहीं कहेंगे। अब देखिए, पहला कहा गया है एलिमेंट की कैटेगरी जिसको हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, तो सोडियम एक एलिमेंट है, सिल्वर, सिलिकॉन और इस लिस्ट में देखिए ये टीन, तो ग्रीन से जिसको मार्क किया गया है ये सब अपने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अलग कलर चूज करते हैं, तो इससे हम लोग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सोप, ब्लड, सॉइल, कैल्शियम कार्बोनेट, कोल, मिथेन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और सुगर का सॉल्यूशन। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, मिथेन भी एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी कंपाउंड है, और इस सोप के बारे में जिक्र करें तो जनरली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, तो उसको हम लोग सोप कहते हैं। तो सिर्फ अगर यही फॉर्म होता तब तो उसको कंपाउंड कहते, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल करके उसमें सुगंध लाई जाती है, अलग अलग तरह के कैरेक्टर डेवलप किए जाते हैं, तो उस नाते इस सोप को टेक्निकली कंपाउंड के बजाय मिक्सचर कहना चाहिए। एयर ये मिक्सचर है, सुगर के सॉल्यूशन में सुगर प्लस वाटर होगा तो ये दोनों भी मिक्सचर होंगे। जब हम कोल की बात करते हैं, भले ये कार्बन का एक फॉर्म है लेकिन उसके साथ भी और चीजें मिली हो सकती हैं, तो कोल का सैंपल भी जो एक मिक्सचर की तरह से ट्रीट होगा, और ब्लड जो है ये भी मिक्सचर है। तो कुछ कुछ जगह जो है टर्मिनोलॉजी मिक्स होती भी नजर आती है कि हम कंपाउंड और मिक्सचर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे, और कुछ कुछ जगह लोगों के पास जो है कंफ्यूजन बचा होता है। जैसे हमने सोप का एग्जाम्पल लिया, तो बाय डेफिनेशन सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो सोप कहलाता है, लेकिन सोप बनाते समय उसके साथ और भी चीजें ऐड की जाती हैं। उसमें मान लीजिए कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वाली चीजें हो, कुछ उसमें अच्छी खुशबू लाने के लिए चीजें यूज करें, जैसे आप देखेंगे नीम, सैंडल, ये सब कुछ कुछ लिखे होते हैं। इसका मतलब उस परिस्थिति में वो एक प्योर कंपाउंड नहीं हो सकता है, यानी वो एक सिंपल एलिमेंट नहीं हो सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्सअप की जा सकती हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस हम उसको कहते हैं जिसमें हम वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस हम नहीं आएंगे, तो उस चीज को केमिकल चेंज कहते हैं।
जैसे प्लांट का ग्रोथ होना ये केमिकल चेंज है, आयरन का रस्ट होना ये केमिकल चेंज है, लेकिन जब आयरन के फिलिंग्स को सैंड से मिक्स करते हैं तो उसे सेपरेट किया जा सकता है, तो ये फिजिकल चेंज है। खाना आपने बनाया, कुकिंग ऑफ फूड, वो रिवर्सल नहीं हो सकता है, तो ये केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज है, लेकिन वाटर का फ्रिज होना, तो वाटर फ्रिज करके जब आइस बनाएगा तो आइस वाले पार्ट को वापस हम लोग मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका फिजिकल चेंज है। और फाइनली जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो ये स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल ये भी एक केमिकल चेंज के कैटेगरी में आएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन अंडर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या दी हुई है, प्रोटॉन्स की संख्या दोनों में बराबर है, और जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को जोड़ते हैं तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जिसको मास नंबर कहा जाता है। अब इस केस में देखिए, 6 + 6 = 12, 6 + 8 = 14, तो यहाँ पे मास नंबर और एक्स और वाई की बात करें तो एक्स के लिए 12 है, वाई के लिए 14 है, लेकिन ऐसे स्पीसीज जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर में फर्क होता है, उसको आइसोटोप्स कहा जाएगा। और चूंकि एटॉमिक नंबर 6 के साथ जो एलिमेंट का सिंबल होगा वो कार्बन 6, तो दोनों जगह हम कार्बन 6 लिखेंगे, लेकिन एक का मास नंबर 12 और 14, तो ये पेयर जो है आइसोटोप का पेयर रिप्रेजेंट करता है। फिर उसी तरह से सोडियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है, सिंबॉलिकली सोडियम को आप 2, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, KLM सेल में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये 2, 8, 1 का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इस फॉर्मेट में आंसर डी देखिए 2, 8, 1 ये इंडिकेट किया गया। अब लास्ट में एक टेबल है, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। पहला एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9 का मतलब अगर ये एटॉमिक नंबर 9 है तो ये जो एटॉमिक स्पीशीज होगा उसको फ्लोरीन कहा जाएगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कहलाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ करके मास नंबर, तो यहाँ 19 कंप्लीट करेंगे तो देखिए 16 है, ये 32 है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 होगा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलके 32 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए 32 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा एंड इट विल कम आउट टू बी 16, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, सिंबल सल्फर है। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 12 है, तो इतना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल जो है मास नंबर अगर 24 है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या भी 24 - 12 से 12 करेंगे, तो एटॉमिक नंबर हो गया 12, और 12 के एटॉमिक नंबर के साथ इस एटॉमिक स्पीशीज का जो नाम होगा ये हो जाएगा मैग्नीशियम। फिर उसी तरह से अगले कॉलम पे अगर ध्यान दें तो प्रोटॉन की संख्या 1, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है, तो 1 के साथ इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, मास नंबर 2 लिखने का मतलब इसके पास एक न्यूट्रॉन भी है, तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, और हाइड्रोजन के इस आइसोटोप को हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप हुआ ड्यूटेरियम, जिसको सिंबॉलिकली हम लोग H12 इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और आखिर में आइए, मास नंबर 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये 1 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। देखिए जैसे ही प्रोटॉन्स 1 हुआ तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होना चाहिए, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता तब ये हाइड्रोजन का एटम होता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो इसका मतलब हमने हाइड्रोजन के एक एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया और ये कन्वर्ट हो जाएगा H+ आयन में, इसलिए यहाँ पे जो एटॉमिक स्पीशीज है
इसका करस्पॉन्डिंग ये एटॉमिक स्पीसीज हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन आयन के फॉर्म में है तो बेटर इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन की तरह से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्लास 9 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर से यह सफर 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ, आज 31 जनवरी 2023 को ये खत्म हो रहा है। फिर आपके साथ नए विचारों के साथ, नए इनोवेशन के साथ, नए तरीके से फिर जुड़ेंगे, जिसमें कोशिश ये की जाएगी कि 20-20 मिनट के ड्यूरेशन के वीडियोस बनाए जाएं, जिसमें 15 मिनट का समय वो रहेगा थ्योरी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। उसके बाद 5 मिनट में एक क्वेश्चन का सेशन होगा, कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व करके रखेंगे, बाकी अनसॉल्व छोड़ेंगे और अगले दिन अगले एपिसोड में उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर हम अपने एपिसोड को कंटिन्यू रखेंगे। तो शायद ये जो हम लोगों का नया एप्लीकेशन हो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, इस आशा के साथ कि आपका सहयोग जो मिला उसके लिए ASMS की टीम की ओर से आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके व्यूज, आपके विचार, आपके कमेंट्स हमेशा इस पूरी टीम के लिए कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम करते हैं, और वो एक ऊर्जा के स्रोत के फॉर्म में है। तो इसी आशा के साथ कि फिर नए तरीके से, नए आइडिया, नए विचार और नए जोश के साथ आप लोग के साथ फिर ASMS की पूरी टीम आपके सामने मुखातिब होगी, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।